कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, जिसमें एनसीईआरटी पर चार एक्सरसाइज है जो कि आप लोग अभी प्रैक्टिस किए पढ़े है ना, उसको टरकाओ मत जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर एनसीईआरटी लेवल पर अगर टरकाते हो तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि एनसीईआरटी लेवल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं कुछ खास काम का है नहीं, बहुत डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है। और एनसीईआरटी लेवल वाले में भी अगर तुमको 10 दिन लग रहा है तो फिर भगवान बचाए, फिर कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद सर्कल एनसीईआरटी में केवल एक ही एक्सरसाइज है जिनका स्कूल एग्जाम सामने है, कम से कम उसको पहले कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल्स में सर्कल पढ़ेंगे। उस तरह से पैराबोला आज तीसरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कॉनिक सेक्शन का दूसरा चैप्टर है पैराबोला, एक एक एक्सरसाइज के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आज से हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला। तो पैराबोला ये वर्ड जो है वो ऑफिशियली 11th क्लास में अब आया, अनऑफिशियली बहुत बार आ चुका है, 9th क्लास में सबसे पहली बार आया था, जहां पर आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सिखाया गया होगा, वहां पर पहली बार ये वर्ड आप लोग सुने होंगे। उसके बाद फिर मैथ्स में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th में और 9th में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, अभी 9th में भी किया हो 10th में भी किया हो, कैसा ग्राफ बनता था, यू शेप का ग्राफ बनता था, बैठ रहने पर नहीं बोलते रहने पर क्या टीचर पढ़ाएगा, पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना देते हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, यू शेप का कर्व बनता था। फिर 11th क्लास में आया प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑफिशियली प्रूफिंग किया गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, मेन टॉपिक है मोशन चैप्टर का, उसमें भी पैराबोलिक वर्ड आया, वहां पर भी बताया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वेरिएबल में पावर 2 हो तो वो पैराबोलिक यू शेप का कर्व बनते हुए नजर आ रहा है। इन सब चीजों को मिलाकर के ऑफिशियली क्लास 11th मैथ्स में स्टार्ट करेंगे पैराबोला, बट ये चीज हमें 9th में 10th में मैथ्स में फिजिक्स में मालूम है क्या होता है पैराबोला। तो पैराबोला द फोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यू शेप्ड वगैरह तो सब ठीक है वही होता है, यू शेप्ड ही बनेगा, बट डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन है द फोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन का मतलब ये 2-dimensional फिगर बनेगा। द फोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, एंड अ फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन को हम लोग कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स, ऑलवेज रिमेन्स सेम, द फोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, दिख रहा है द फोकस ऑफ, यहाँ पर फोकस लिखा गया, वही मैं सोच रहा था, यहाँ फोकस नहीं यहाँ लोकस है, लोकस 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 मूविंग पॉइंट्स लोकस, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको कहते हैं हम लोग फोकस, एंड अ फिक्स्ड लाइन उस लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम आना चाहिए, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए जो लोकस होगा, लोकस मतलब मूविंग पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स को मूव करना है और वो किसी रूल के तहत मूव करेगा, तो इसमें इस रूल के तहत मूव करना है कि उसको प्लेन में मूव करना है, और इस तरह से मूव करना है कि उस पॉइंट का मूव करते समय एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जो कर्व जो शेप बन कर कर आएगा उस शेप को, उस कर्व को ही हम लोग कहते हैं पैराबोला, 9th-10th के हिसाब से यू शेप्ड कर्व, 11th क्लास के फिजिक्स के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू शेप्ड कर्व विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैराबोला, बट डेफिनेशन ये कहता है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ठीक है। जैसे कि इसमें मेरा फिक्स्ड पॉइंट ये है, प्लेन में होना चाहिए, 2-dimensional फिगर, फिक्स्ड पॉइंट है एफ और ये फिक्स लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किए तो ये पी एफ का वैल्यू कुछ आएगा, कुछ बोलो कितना, 5, चलो तो यहाँ से भी तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहां से इसका ये वाला डिस्टेंस 5 आएगा, अरे समझ, ये दोनों क्या है, ये दोनों अभी आप लोग बोले 5 है और ये पहला पॉइंट है पी, ठीक है। अब ये पूरा बोर्ड में ऐसा सिर्फ ये पी पॉइंट ही होगा क्या जिससे पी से एफ का वैल्यू 5 और फिर पी से एम का वैल्यू 5, ये नहीं आए है ना, ये ऐसा बहुत सारा पॉइंट आ सकता है जहां पर ये पी एफ और पी एम का वैल्यू जो है वो सेम आते चले जाए, ठीक है। और किस तरह से आ सकता है, मान लो यहां पर
रहे समझ में? इन सब पॉइंट में पीएफ और पीएम का जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पर क्या है, वो सेम है। अरे समझे बच्चों, इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तब जो शेप बन के आएगा वो यू शेप का ही आएगा, और ये जो कर्व आया इस कर्व को ही हम लोग कहते हैं पाराबोला। ठीक है, पाराबोला इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन शुड ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये जो शेप बन के आया पी एफ पी एम बराबर रखते हुए इस पूरे प्लेन पे जहां जहां शेप बन के आएगा उसी शेप को हम लोग पाराबोला कहते हैं। दिक्कत लाइन से मतलब कैसे, अगर वो पॉइंट लेते हैं तो कौन सा ये पीएम इक्वल मतलब बी से तो एम इसका इधर जाएगा। अच्छा इस पॉइंट से पॉइंट यही होगा, फिक्स लाइन इस फिक्स लाइन से दूरी, दूरी पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, जब पॉइंट और लाइन का दूरी का बात हो रहा मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात होगा। पी कहीं पर जाएगा तो पी से ये दूरी लेना है, फिर पी से ये वाला दूरी लेना है, सेम आएगा मतलब ये और वो दूरी नहीं। पी एम को सोचना नहीं, पी अब यहाँ पर आएगा तो पी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पी एफ हो जाएगा और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो पी एम हो जाएगा। ये जहां जहां पर सेम हो सिर्फ उसी का कर्व तुमको ड्रॉ करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी में आएगा, तो जहां जहां पर आएगा उसी कर्व को जब प्लॉट करेंगे ड्रॉ करेंगे तो जो शेप बन के आएगा उसी शेप को हम लोग पाराबोला कहते हैं। तो दिक्कत ठीक है, इसमें अगर डायग्राम समझ में आ गया हो तो इसमें आगे देखना। यहाँ पर अलग अलग पेन लाए हो तो जिसके क्लास के लिए तो उसका काम पड़ेगा। तो इस तरह से तो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से अगर बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर ज्वाइन कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ज्वाइन करके। अब इस पॉइंट को अगर देखते हैं, ये पॉइंट को, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम आएगा। जैसे इस पी का भी खा लो, पी इधर आ गया, ओ से एफ और ओ से एम डैश या जो भी नाम है ये सेम आएगा। अरे समझ, यहाँ से हम लोग चैप्टर पैराबोला नहीं पढ़ रहे, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 9th और 10th में पढ़ कर आए हैं। वी आर नॉट स्टडिंग पैराबोला, वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए व्हाट वी वांट इज एक्सिस, व्हाट वी वांट इज कोऑर्डिनेट। बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पैराबोला आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसे पैराबोला तुम किसी चैप्टर में पढ़ लो, फिजिक्स में पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ लो, मैथ्स में पढ़ लो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पैराबोला पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक्सिस का, जहां पर ये पॉइंट जहां पर मैच, यहां पर इस तरह से हम लोग एक्सिस बनाएंगे इसे। कुछ आ रहा समझ में? पूरा वीडियो बना रहा तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और ये वाला जो बना वो क्या बन गया, वो वाई एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टच करेगा वो ऑटोमेटिकली फिर सेंटर है ओरिजिन, और यही पॉइंट जो है वो पैराबोला भी यहाँ पर टच कर रहा है ना। तो ये ओरिजिन पर ही ये पैराबोला जो है वो टच कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, जैसे परसों के क्लास में आप लोग सर्कल पढ़े, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन पर ही आए, है ना। तो अगर ओरिजिन वाला आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आया, और ओरिजिन पर नहीं आया तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आया। उसी तरह से पैराबोला का इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये वर्टेक्स जरूरी नहीं है कि हर बार कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट यहीं पर अब बात होती है सिलेबस की, जो आपका एनसीईआरटी पर केवल सिलेबस दिया हुआ, अभी स्कूल एग्जाम सामने है सबका, एनसीईआरटी पर जो पैराबोला आपको पढ़ना है वो मेंशनड है कि केवल सेंट्रल पैराबोला पढ़ना है। इसका क्या मतलब समझे, सेंट्रल पैराबोला ऐसा पैराबोला होगा जिस पैराबोला का वर्टेक्स बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंटर पर आए। मैं ये नहीं बोल रहा किसी पैसा ही पैराबोला होता, पैराबोला मेरे बोलने से वहां थोड़ी उसका सेंटर आ जाए, कहीं भी जा सकता है। बट सिर्फ एनसीईआरटी का जो एक एक्सरसाइज है, अभी स्कूल एग्जाम सामने एनसीईआरटी लेवल पर पहले जो पढ़ रहे हैं, टू बी प्रिसाइज हम लोग पैराबोला पढ़ ही नहीं रहे हैं, टू प्रिसाइज हम लोग सेंट्रल पैराबोला पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल पैराबोला में कुछ ऐसा शेप, कुछ ऐसा डायग्राम बन करके आएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ओरिजिन है, वर्टेक्स भी है और ये ओरिजिन भी है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है इसमें, 0 0। ठीक है, अब यहां से आता कुछ दूरी होगा, इस दूरी को आज के बाद ए नाम से ही लेना है। कैसे, सर्कल स्टार्ट हुआ तो सर्कल में
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब जितना दिन आप लोग साइंस पढ़ने वाले हैं मैथ में फिजिक्स में, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑफ एच और के ही नाम से अब आपको लेना है जब तक मैथ्स के साथ साइंस के साथ जुड़े हो। उसी तरह से पैराबोला, जब तक आप मैथ्स के साथ जुड़े हुए हो तब तक ओरिजिन से लेकर के फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको अब ए ही लेना है जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया फिर? ये एक्स एक्सिस में है ओरिजिन से, हाँ बोलो, दिस इज ए जीरो, तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है ना, एक्स एक्सिस वाई से, तो कुछ होगा एक्स वाई, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताओ? ये पॉइंट किस एक्सिस पर? ये नहीं, ये वाई एक्सिस पर नहीं है, ये तो इस तरफ आ गया है ना, नेगेटिव है, इसमें एक्स का वैल्यू माइनस ए है और वाई का वैल्यू जो है, इसका कोऑर्डिनेट तुम वाई लिखे हो, इसका मतलब ये वाई जो है वो भी वाई हो गया। बोलो दिक्कत, प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी जल्दी, ठीक है? तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन किसके बराबर था? जो पी एफ है पी एम के बराबर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं लगातार 10th क्लास से, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम, दिस इज अंडर रूट बोलते भी रहो, दिस इज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई दिस इज जीरो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए फिर प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस आगे एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर इधर बच गया वाई स्क्वायर फोर एक्स। आज के बाद यही होगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल पैराबोला, और एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से पैराबोला ही है, बट हमारा इतना औकात नहीं कि हम लोग इसको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दें। इसको आप लोग सर्कल के साथ मिला सकते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं, सर्कल का दो इक्वेशन आया, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आया, वो सिर्फ सेंट्रल फॉर्मूला है, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको छोटा कर सकते हैं, पैराबोला जो आपके एटलीस्ट स्कूल एग्जाम के सिलेबस में पढ़ना है, स्कूल एग्जाम मतलब मैं सिर्फ एनसीईआरटी का बात नहीं कर रहा, जो आपका स्कूल एग्जाम का सिलेबस है वो इसी तरह से प्लॉटेड है कि उसमें पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर होगा, स्कूल एग्जाम का बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी। स्कूल एग्जाम में जो भी लोग आप लोग हैं, स्कूल एग्जाम में पैराबोला आपको सेंट्रल फॉर्म में ही पढ़ना है, सिलेबस इतना ही, बट जेई के लिए डीए के लिए और यूज के लिए एप्लीकेशन में, कोई जरूरी थोड़ी कि हर बार एक पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर ही आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो हम लोग सब फॉर्म में पढ़ेंगे, बट ये वाला जो है यही सबसे फेमस फॉर्म है एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, इसी को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख के नीचे सेंट्रल लिख देंगे ताकि याद रहेगा, और जो हम लोग 9th-10th में सीखे थे वो गलत नहीं होने चाहिए, वो शेप कैसा बना, तो यू शेप, तो जो पढ़े थे वही बात हो गई, और 10th क्लास में पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, वेरिएबल पे पावर 2 और फिर एक्स पे पावर 1, दोनों पे पावर 2 हो जाएगा तो कल परसों पढ़े हो, दोनों पे पावर 2 हो जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, दोनों पे पावर 1 हो जाता तो स्ट्रेट लाइन बन जाता, एक पे पावर 1 एक पे पावर 2 इट रिप्रेजेंट्स, 9th-10th में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9th-10th में पढ़े थे यू शेप कर्व बनेगा, फिजिक्स में पढ़े हैं प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ये पैराबोला है जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax y पे पावर 2 x का पावर 1 pf बराबर pm locus of all the points which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line is always a constant is known as parabola, ठीक है? कोई दिक्कत? बनाओ। तो ये मेजर इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4ax, इसको ख्याल रखना, मिटा दो इसको, ये इसका जनरल इक्वेशन तो नहीं है बट एक्चुअली में यही फेमस है। अब फेमस वर्ड कैसे होता है? फेमस वर्ड तुम्हारे मेरे बोलने पर नहीं होता, फेमस है सिलेबस में क्या है, सिलेबस इसमें सेंट्रल ही वाला ज्यादा है तो यही फेमस है, सर्कल में दोनों से ही, सेंट्रल वाला भी जानता है बच्चा, नॉन सेंट्रल वाला भी जानता है, इसमें यही जानता है तो इसलिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इक्वेशन क्या बना हमारा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, याद रहेगा ना सबको? देखो ऐसे ही कुछ
कुछ भी बता, जैसे x का मतलब कोई वैल्यू, जैसे मान लो ये y स्क्वायर बराबर हो गया, x का वैल्यू मान लो 4 लिए तो y स्क्वायर बराबर जैसे कितना हो गया 16 a, अरे समझ में है ना, y स्क्वायर बराबर 16 है और a का भी कुछ वैल्यू दोगे ना, ये क्या है, ये तो फोकस का कोऑर्डिनेट है। मान लो ऐसे a का वैल्यू 1 दिए, x का वैल्यू 4 दिए, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, y स्क्वायर का 16 हो गया। तो यहां पर ही कांसेप्ट है y बराबर √16 4 नहीं होता है, ये प्लस 4 भी होता है माइनस 4 भी होता है। x का तो तुम मेरे को एक ही वैल्यू दिए, x का तुम कितना वैल्यू दिए मेरे को, लेकिन y का कितना वैल्यू आ गया, इसी को तो पैराबोला कहते हैं, 9th क्लास में यही सब जाएगा। x का एक वैल्यू, x का कोई एक वैल्यू, एक वैल्यू, बट उसमें y का ऊपर से भी वैल्यू आ रहा है, नीचे से भी वैल्यू आ रहा है। x का कोई एक वैल्यू दोगे बट उसमें y का ऊपर भी वैल्यू आएगा, नीचे भी वैल्यू आएगा, सबको आ रहा है समझ में। तो देखो ना, x का तुम मेरे को एक ही वैल्यू दिया ना, लेकिन y का कितना वैल्यू आ गया, दो वैल्यू। x के हर एक वैल्यू पर y का दो वैल्यू आएगा, यही तो है पैराबोला। x के हर एक वैल्यू पर y का दो, x के हर एक वैल्यू पर y का दो वैल्यू आएगा, यही तो पैराबोला है। x के हर एक वैल्यू पर y का दो कोऑर्डिनेट आएगा, यही है पैराबोला का डेफिनेशन। न्यूमेरिकल मेंस एडवांस एनडीए होते रहेगा, बट डेफिनेशन यही है, x के हर एक वैल्यू पर y का दो कोऑर्डिनेट आएगा, एक ऊपर एक नीचे, यही पैराबोला है। जीरो को छोड़ के, जीरो पर जीरो ही आ गया, तो जीरो पर तो ये पॉइंट इसी पर है, जीरो जीरो, इसको छोड़ करके x के हर एक वैल्यू पर y का दो वैल्यू आएगा, यही पैराबोला। ऊंचाई बात समझ में, ठीक है, ये बात समझ आएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं, बट ध्यान में रखना, बाकी हम लोग इसमें और आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। इसको मिटा दूं, अब इस डायरेक्ट्रिक्स को देखा जाए, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये था ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अब यहीं पर है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा। अब मोटा के बोल दो स्ट्रेट लाइन हमारा नहीं पढ़ा हो तो गलत हो जाएगा, पहले स्ट्रेट लाइन फिर सर्कल फिर पैराबोला, बाकी ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट से लिखा जाएगा। लाइन का इक्वेशन लिखना है, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कितने पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए था, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कम से कम, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। उतना अगर नहीं करना है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, 9th 10th में जो सीखे थे। ये एक लाइन है जो कि किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। हर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बराबर फलाना है ना, एक ऐसे इसमें एक्स का हर बार वैल्यू माइनस है, याद तो देखो इस लाइन पे एक्स पर हमेशा वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस है, तो एक्स बराबर माइनस है, और यू कैन से एक्स प्लस ए बराबर जीरो, यही है इक्वेशन हमारा डायरेक्ट्रिक्स का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ये, एक्स प्लस ए बराबर जीरो। जब जब पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स होगा, तब तब उसके बगल का जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन हमेशा एक्स प्लस ए बराबर जीरो आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। बोलो को दिक्कत, लिखो यहां तक आ गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लैटस रेक्टम, नाम बहुत ज्यादा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद है लैटस रेक्टम, ठीक है, नाम है लैटस रेक्टम, वीडियो मारा ना पूरा है ना। लैटस रेक्टम का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये है परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोकल कॉर्ड होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड इट्स लैटस रेक्टम। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, फोकल कॉर्ड भी होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं लैटस रेक्टम। लिख लिए क्या, ठीक है, डेफिनेशन लिखे, परपेंडिकुलर होना चाहिए और बोलो 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 फोकल कॉर्ड, फोकल का मतलब क्या हुआ, फोकस से पास करना चाहिए। कॉर्ड किसको कहते हैं, सर्कल में कॉर्ड किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोकस से पास करना चाहिए और दो पॉइंट को टच करना चाहिए, ऐसा जो पैराबोला में होगा उसको हम लोग लैटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। वैसे ये सिर्फ पैराबोला में नहीं, आगे हम लोग पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में पढ़ेंगे, सब में लैटस रेक्टम ऐसे ही निकलता है, बट अभी फिलहाल पैराबोला में सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया होने तुम लोग, डायग्राम ठीक से बड़ा पॉइंट में बनाना, छोटा मोटा घिच रहे हैं इसमें, अभी इसी डायग्राम में लैटस रेक्टम बनाना पड़ेगा। खुद से बताओ कहाँ इसमें बन रहा है लैटस रेक्टम, मैं तो अलग से बनाता हूँ, इसमें थोड़ा घिचपिच हो गया, आप लोग बड़ा बनाए थे इसी में बनाना, इसको मिटा दूँ क्या, नहीं मैं भी इसी में बनाऊंगा अभी, वैसे ये सब मिटा देते हैं।
इस डायग्राम में, और वीडियो ऐसे करो कि दिख जाएगा सीधा और ऐसे टेढ़ा ही जा रहा है क्या, इसको ऐसे कीजिए। आज बहुत लोग आए नहीं स्कूल एग्जाम में, इसलिए छुट्टी कर लेकर थोड़ा तो बना बताओ, इसमें तुम लोग खुद से बताओ, फोकल कॉर्ड होना चाहिए अपने डायग्राम में देख करके बताओ, अपने डायग्राम में लेटर सेक्शन कहाँ बनेगा अपने डायग्राम में देख कर बताओ, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड अपने डायग्राम में देख करके बताओ, ये देखो ये फोकस है, ये है ना परपेंडिकुलर एफ से पास करे परपेंडिकुलर, और कॉर्ड आप लोग बताएं कितने जगह पर टच करना चाहिए, दो पर, तो ये जो एल एल डैश है वो है मेरा लेटर सेक्शन परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे मतलब अलग अलग पेन वगैरह लाना था फिजिक्स क्लास में तो लाते ही हो, ग्रीन ब्लू रेड उसका काम पड़ेगा, नहीं तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये है हमारा एल एल डैश, इसमें क्या है मेरा एल एल डैश जो है वो मेरे इस डायग्राम में क्या है, एल एल डैश जो है वो इस डायग्राम में लेटस रेक्टम है, आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, एल का कोऑर्डिनेट बताना, केवल एल का, बोर्ड पर देखो बताओ, नहीं कोऑर्डिनेट टेबल स्लिप हो गया। अभी हर वो 12th क्लास वाले लोग जो लोग इमेज का फॉर्म भरे हुए हैं और रो रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर नहीं, क्योंकि उनको अब जाकर मालूम चला पड़ा 2 साल के बाद कि जिसका कोऑर्डिनेट क्लियर नहीं उसका जेई निकल नहीं रहा, वो सिर्फ बैठा हुआ एग्जाम का फॉर्म भर के, अभी पता चला है पौने 2 साल के बाद मेरा कोऑर्डिनेट क्लियर नहीं, तो हम झूठे एग्जाम दे रहे हैं, मेरे से नहीं निकलेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर रखो, बताओ एल का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर ए है, वाई पर पता नहीं, तो एल मान लेते हैं, एल लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो है वो एल हुआ, अगर मैंने आगे इसका कोऑर्डिनेट ए लिखा था। अब देखते हैं एस पॉइंट एल, इसका कोऑर्डिनेट कितना बेटा ए कॉमा एल, ये लाई कर रहा है किस पर, ये पैराबोला पर लाई कर रहा है ना, तो इसके इक्वेशन को क्या कर जाएगा, ये देखो अभी भी ये एल इसी पैराबोला पर है, तो अभी भी ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax था, आपकी बारी आगे सेट करो, इसमें कितना हो गया बोलो, बैठ रहने का कुछ नहीं मिलेगा, l स्क्वायर बराबर 4ax का फिर है, l स्क्वायर बराबर हो गया 4 स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे ये 2a हो गया, बट ये यहां तक ही हुआ, ये थोड़ी सा लेटर सेट था, यहां से यहां तक था, देयरफॉर l एंड s बताओ कितना हो गया, ये 2a तो ये है और ये भी 2a है, दिस विल बी 4a, यही हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बोलो कोई दिक्कत, इतना चीज हमें जानना है एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन पर, और यू कैन से सेंट्रल पैराबोला में हमें जनरल इक्वेशन जानना है, फोकस कहाँ होगा मालूम होना चाहिए, वर्टेक्स कहाँ होगा मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, और लेटर सेक्टम कहाँ होगा मालूम होना चाहिए, और लेटर सेक्टम का लेंथ कितना होगा एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, और यू कैन से पैराबोला को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेटअप करने के लिए इतना चीज तो हमें मालूम होना चाहिए, इससे कम में पैराबोला शुरू भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, लिखो इतना समझ गया ठीक से, ठीक है। ये सब हो गया, क्या ये सब क्या पढ़े इतना देरी में, कौन सा पैराबोला, सेंट्रल में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पैराबोला है ये एक्सिस क्या है, दाहिने तरफ, ये एक्सिस के दाहिने तरफ मुड़ा हुआ था, ये जो 45 मिनट से आप पढ़े वो आप पैराबोला भी पूरा नहीं पढ़े, सेंट्रल पैराबोला भी पूरा नहीं पढ़े, इतने देरी में जो आप पढ़े हैं वो सिर्फ राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला पढ़े, बोलने के लिए तो हम लोग का पैराबोला हो गया, बट एक्चुअली में हमने इतने देरी में सिर्फ दाहिने तरफ मुड़ा हुआ वो भी ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन से जा रहा है, केवल उतना पढ़े इतना देरी में, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये सब जो भी कहानी अभी बतियाए हो, मतलब जो ग्रुपिंग ग्रुपिंग किए हो, वो सिर्फ राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला में काम करता है। तो वाई पे पावर 2x पर पावर 1 फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा, और केमिस्ट्री में भी काम आएगा कर्व स्केचिंग में, वाई पे पावर 2 एक्स पे पावर 1, आज के बाद ये मत बोलना कि पैराबोला होगा, y पे पावर 2 x पे पावर 1 राइट हैंडेड और सेंट्रल पैराबोला होगा, ये बोल सकते हो, समझ रही बेटा, ठीक है। तो ये सब तो बातें होगी राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला की, बाकी पैराबोला का डायग्राम हम लोग बनाएंगे, सबका बातें प्रूफ करते नहीं चलेंगे, ठीक है, तो मिटा दूं, ठीक है, हो गई बात, तो बाकी को फटाफट लिख लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, वैसे मेरे बोलने पर थोड़ी ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चारों बराबर इंपॉर्टेंट, बट लिखा किताब में इसी पर जाता, ठीक है। बाकी जो दूसरा वाला होगा
और इसमें लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा, खुद से भी बना सकते हो। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कैसे बनेगा, खुद से बनाओ तो लोग बताओ। प्रूफिंग प्रूफिंग नहीं करना है, सिर्फ सेटअप करना है। कुछ बताओ, ये कोऑर्डिनेट सेटअप हो गया, किस तरह बनेगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला? लेफ्ट हैंडेड में भी सेंट्रल है, बार बार मैं कहीं भूल जाओ तुम लिखते रहना ऐसा, ठीक है? ये हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका जो जनरल इक्वेशन होगा, दिस विल बी वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स, इसको ख्याल में रखना है, ठीक है? वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स, ऐसा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो पैराबोला होगा दैट विल बी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। रूल वही है, वाई को पावर टू, एक्स को पावर वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू शेप, बट कोऑर्डिनेट में इस तरफ प्लॉट होगा, ठीक है? इसका फोकस इस तरफ कहीं पर होगा, कितना आ गया, कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा। प्रूफिंग नहीं कर रहे, बस लिख रहे हैं, यहाँ इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस बार कितना हो जाएगा, ए जीरो होगा, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिस इज एक्स बराबर हमेशा ए आ रहा है, यू कैन से एक्स माइनस ए बराबर जीरो, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में। बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, एनीवन गॉट अ प्रॉब्लम, इसको लिख लो, लेफ्ट हैंडेड हो गया। इधर आते हैं वीडियो में, तो इसका अगले भाई से मिलते हैं, दिस इज नोन एज अपर सेंट्रल पैराबोला, ऊपर के तरफ है, इधर आ रहा है ना बॉस, खुद से भी बताते रहो, कुछ खुद से भी बताते रहो, ऐसा बनेगा ये पैराबोला जो है ऐसा, इसका इक्वेशन होगा आज के बाद से x स्क्वायर बराबर 4ay, x पे पावर 2, y पे पावर 1, इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला पैराबोला बोल करके अब काम नहीं चलेगा आज के बाद, अब सब देखना पड़ेगा कि कैसा पैराबोला बनेगा, इसका फोकस किधर रहेगा, यहाँ पर क्या बोलते हो, ठीक है? कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाँ जीरो, और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं किधर, कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी नाम मांग, जीरो माइनस, इसमें वाई का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, इसमें इसका इक्वेशन इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स दिस इज वाई का वैल्यू हमेशा माइनस है, और यू कैन से वाई प्लस ए बराबर जी, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा इन केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, है ना? लिखते रहो, डाउनवर्ड पैराबोला कहाँ बनाए, नीचे कर दो क्या आ जाएगा, नीचे कर दो, डी नंबर पर है, दिस इज आवर डाउनवर्ड पैराबोला। बताओ एनसीईआरटी बुक लाया है कोई, क्या फोटो किसी पर्सन लाया हो क्या, आज ही कर लेते हैं, आज ही हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा एनसीईआरटी लेवल पर, आज ही खत्म, जिनका स्कूल एग्जाम आ रहा आज ही, क्या आज खत्म करो, इधर बनेगा बोलो इस बार, इसका इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बराबर, फोकस का कोऑर्डिनेट विल बी जीरो कॉमा माइनस है ना, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेट विल बी जीरो कॉमा, इस लाइन पर हमेशा वाई की वैल्यू जो है वो ए ही आ रही है, और वाई माइनस ए बराबर इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। फोकल कॉर्ड सब बार बना सकते हो, इसका फोकल कॉर्ड ऐसा होता, लेंथ हर बार 4a ही आता है, लेंथ है कोऑर्डिनेट नहीं, लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ लेंथ 4a आएगा, इसका फोकल कॉर्ड यहां है, अलग समझ सकते हो, इसका फोकल कॉर्ड यहां, लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, 4 into a के बराबर ही आएगा। फटाफट ये चारों पैराबोला का सेट कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी क्या भी बना लेते हैं, पूरे एक्सरसाइज का भी बना लेते हैं, ठीक है? और एग्जामिनेशन सामने है,
एनसीईआरटी लेवल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी खत्म हो जाएगा, बहाना मत लगाओ बाद में करेंगे, अभी खत्म हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है और बड़ा मासूम सा एक्सरसाइज है, बहुआ है ये। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है पहला एक से लेकर के 6 क्वेश्चन तक, और उसका सब कुछ बताना है, फोकस कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, ये सब बताना है। पहला 6 क्वेश्चन, तो 6 तो नहीं करेंगे, कोई अपना पसंद से करते हैं। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 12x है, इसका सब कुछ बताओ जो जानते हो सब, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये कौन सा पैराबोला हो गया, ये अभी किए थे, ये सबसे फेमस वाला है, दिस इज राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला, y स्क्वायर बराबर 4ax, यही किए थे ना। कंपेयर करो कितना हो गया, 4a बराबर 4a बराबर 12, इतना सोचोगे तो नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में सोचना उतना नहीं है, कम से कम 11 12 वैसे डायरेक्ट बन जाएगा जो करना है। a का वैल्यू हो गया 3, चलो अब बस इतने लेटर से जो जानते हो सब लिखो, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 0 हो गया, लैटर स्पेक्ट्रम का लेंथ कितना हो जाएगा, कितना होगा 12 यूनिट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा, देख के भी बता सकते हो पीछे से कितना था इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स बराबर माने तो एक्स प्लस ए बराबर जीरो था, एक बार चेक करो नहीं तो गलत हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बराबर 0, बस हो गया खत्म, यही सब करना, ठीक है समझ में आ गया। पहला 6 क्वेश्चन में यही सब करना, कुछ और बताओ, चलो इसका बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 सीधा करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 9y, इसका बताओ, इसको किससे कंपेयर करो, डाउनवर्ड सेंट्रल पैराबोला माइनस 4ay, अरे ये करोगे ना एग्जाम में, इसको कपड़ा मत देना, चलो कंपेयर करो बताओ, नाइन बाई फोर हुआ ना, बस इतना काफी है, फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, 9/4, 0 नहीं है, डाउनवर्ड पैराबोला है, देख देख के बता कितना रहेगा, 0 - 9/4, आसान लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ये हो गया 6 क्वेश्चन तक खत्म, ठीक है जल्दी जल्दी करो, ये तो करना पहला 6 क्वेश्चन में, यही करना, एक और 6 में होता है बाकी करो। और इसने एक्सिस का नाम भी लिखने के लिए बोला कि कौन सा एक्सिस होगा, तो ये वाला कौन सा एक्सिस पर था, अच्छा राइट हैंडेड पैराबोला तो था, ये था ना ये, बट ये किस पैराबोला मतलब किस एक्सिस पर बन रहा है, ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, x एक्सिस है पैराबोला, सब सारा कोऑर्डिनेट जो तुम लिखो x एक्सिस पे लिखो, जो भी कोऑर्डिनेट लिख रहे हो x एक्सिस पे लिखो, y तो मालूम है ना, y का तो काम ही नहीं पड़ा है ना, तो इस वाले को हम लोग कहते हैं इसका इक्वेशन ऑफ नहीं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है बट पूछा जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना है, तो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा x एक्सिस, अरे समझ इस क्वेश्चन का एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन हो जाएगा, y एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, बट उतना नहीं लिखना है, बस एक्सिस पूछ रहा है, एक्सिस थोड़ी माइनस वाई एक्सिस होता है, एक्सिस पूछेगा सिर्फ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ही लिखना है, माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्सिस नहीं बताना, ठीक है चलो 6 नंबर तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे करें, 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर कोई भी कर सकते हैं, मान लो कि ये 9 नंबर हटा दो इसको, सबका हो गया विशाखा आ रहा है ठीक से ना, कर लेगी परीक्षा में खुद से रिटोरी करके, खुद से चोरी करके मेरी संधि विच्छेद हो गया, संधि हुआ क्या बोलते, दो को जोड़ के जो लिखो इक्वेशन, इस बार लिखना है बाबा, इस बार इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रहा 0 0 और फोकस का कोऑर्डिनेट दे रहा 3 0, इक्वेशन लिखो इस पैराबोला का, कुछ भी बात नहीं, कैसे हो जाएगा बताओ यार, वर्टेक्स 0 0 फोकस 3 0 है, तो इसका ए कितना हो गया, अरे कौन सा पैराबोला हो गया, राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या याद किए थे अभी, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 10 हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 9
एनसीईआरटी पर बस ऐसे ही सब दिया हुआ है। पॉज करो। और 11 12 क्वेश्चन कर देते हैं या एक ही से हो जाएगा, आप लोग भी कर लेंगे। बेटा दो क्वेश्चन नंबर 11 12 ही क्वेश्चन है, करके देखना। एनसीईआरटी लेवल पर हो गया ये चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन है, पहला बोला लिखना है पैराबोला, उसका वर्टेक्स दिया हुआ 0 0, पासिंग थ्रू 2 3, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। स्कूल एग्जाम में बस इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूल एग्जाम में इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पैराबोला है, इसको रख लो बेटे। एक पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 है, किस पॉइंट से पास करा हो पैराबोला? 2 3। और एक्सिस जो है पैराबोला का वो एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन आगे समझो, कौन सा वाला पैराबोला है ये? राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0 0, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 3। और जस्ट अभी पढ़े हो ऐसा, अगर ये राइट हैंडेड कैसे पता चला? ये कोऑर्डिनेट देख के, दोनों पॉजिटिव है इधर से, तो इधर की तरफ होगा। आ रहा समझ में सबको? और एक्सिस अभी लिखे थे ना, पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है। किसी को कोई डाउट है क्या इसका? ये 2 3 देख करके मालूम चल रहा है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। माइनस माइनस वाला होता तो भी इसी वाला होता, ठीक है। और इसका इक्वेशन लिखना, तो कैसे लिखा जाए? तो पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये जानना बहुत जरूरी है, ये राइट हैंडेड पैराबोला नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब इसमें जो पॉइंट है पी 2 3, ये क्या कर रहा है? इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, तो ये इसके इक्वेशन को क्या कर जाएगा? तो करवा लो, बोलो फिर 4 9 4a into 2, तो 9 बराबर कितना हो गया? 8 है। इसमें a का कोऑर्डिनेट हो गया, तुमसे फोकस का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछता, पूछा नहीं है कोई, अगर पूछता तो फोकस का कोऑर्डिनेट बताते हम लोग। फोकस का कोऑर्डिनेट बताते कितना? 9 by 8, पूछा नहीं है तुमसे, सिर्फ इक्वेशन पूछा है बस। इक्वेशन का पैराबोला कितना था? y स्क्वायर बराबर 4 a के जगह पर 9 by 8, x के जगह पर x, कितना हो गया? ये दो बार में कट गया, 2y square बराबर 9x हुआ ना, 2y square बराबर 9x। और यू कैन से y square बराबर 9x by 2, y square is equal to, यही हो गया हमारा इक्वेशन पैराबोला में। वैसे फोकस कोऑर्डिनेट और लेटेस्ट रेक्टम ये सब पूछता तो बना देते, पूछा ही नहीं है, बस एक्सिस दिया हुआ है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बस इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाना है। और ये हो गया आपका एनसीईआरटी लेवल पर पैराबोला चैप्टर नंबर 10, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, 4-5 में बता दिया, 4-5 तुम अभी का भी बना लेना, बाद में मटर का स्कूल एग्जाम जिन लोगों का, इस तरह से बना लेना, ठीक है।